हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में। तो सी शार्प के अंदर एब्स्ट्रैक्शंस क्या है, उसका यूज़ क्या है, वो हम आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, तो एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस दैट इज इम्पोर्टेंट टू द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो एक टाइप की प्रोसेस है जो आपका प्रोग्राम्स है उसको क्रिएट करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बींग एबल टू व्यू थिंग्स एट अ हायर लेवल ऑफ कनेक्शन दैन द मूविंग पार्ट्स देमसेल्व। तो जो भी हायर लेवल का जो भी कनेक्शन है उसके साथ आपको वो आपको इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन विथ रिगार्ड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो इस लेक्चर के अंदर हम एब्स्ट्रैक्शन क्या है और उसका नेचर क्या है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी आउट करने वाले हैं। इट हैज़ बोथ कॉन्सेप्चुअल एंड टेक्निकल मीनिंग। तो उसका दोनों मीनिंग, दो टाइप के मीनिंग निकलते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल मीनिंग भी निकलता है और एक टेक्निकल मीनिंग भी यहाँ पर निकलता है। डिजाइनिंग क्लासेस, तो हाउ टू क्लासेस इंटरेक्ट इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो क्लासेस किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विदिंग ए पासिंग ए मैसेज। हाउ टू मैसेज फ्लो थ्रू अ क्लास ऑफ आर्किटेक्चर। नीड टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल पार्ट फिट्स टूगेदर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल। तो ये पूरा का पूरा आपको स्टडी आउट करने के लिए हम डिटेल में उसका हमें पता होना चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वी कैन नॉट स्किप दिस स्टेप एंड सक्सीड। हम इस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते और उसके बाद सक्सीड भी नहीं कर सकते, हमें कंपल्सरी ये जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर अप करना होगा। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शन, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सक्सेसिवली फिल्टरिंग आउट लो लेवल डिटेल्स। तो जो भी लो लेवल की डिटेल्स है, मतलब कि जो डिटेल्स यूजर को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो डिटेल्स को आपको मिनिमाइज करना है, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, यूजर को कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। रिप्लेस विद द हाई लेवल व्यू ऑफ सिस्टम इंटरेक्शंस। तो जो भी हाई लेवल की सिस्टम इंटरेक्शन है उसके लिए हमें उसका यूज करना होगा। हेल्प बाय द यूज ऑफ अ डायग्राम एंड अदर नोटेशंस। तो ये हम डायग्राम और अदर नोटेशन से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यूएमएल और दो दूसरे भी कई सारे डायग्राम है उसका हम यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्किल इन गेनिंग बिग पिक्चर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ क्लासेस इंटरेक्ट। तो जो भी आपके पास जो बड़ी स्किल है उसको इंटीग्रेट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। वाइटल फॉर अप्लाइंग डिजाइनिंग पैटर्न्स एंड अदर सच जनरलाइजेशन। ठीक है, तो डिजाइनिंग पैटर्न के लिए और कई सारे जनरलाइज कॉन्सेप्ट के लिए हमें उसका यूज करना होगा। एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अंदर के किस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अकर्स इन टू की लोकेशंस, इन एनकैप्सुलेटेड क्लासेस एंड इन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो हम दोनों क्लासेस के अंदर उसका यूज कर सकते हैं। लेटर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग गुड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्स विथ मिनिमल साइड इफेक्ट्स। तो जो भी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो भी स्ट्रक्चर हम क्रिएट किया है उसके अंदर उसके इतना इफेक्ट नहीं होगा और उसका हम मिनिमाइज कर सकते हैं हमारा जो भी साइड इफेक्ट्स है उसको। समटाइम क्लासेस सिंपली शुड नॉट बी इनिशियलाइज, दे एग्जिस्ट टू गिव फॉर्म एंड स्ट्रक्चर बट हैव नो सेंसिबल रीजन टू एग्जिट एज ऑब्जेक्ट इन देमसेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर इन जावा एंड सी प्लस प्लस वी कैन मेक यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर विथ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो जावा और सी प्लस प्लस के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज कर सकते हैं, है ना, और प्रोवाइड स्ट्रक्चर विथ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन की पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। These classes cannot be initialized because they are incomplete representation. इसको हम initialize कर सकते हैं क्योंकि उसको incomplete भी नहीं कर सकते। These classes provide the necessary contract for C++ to make use of dynamic binding in a system. Dynamic binding के लिए हम इसका use कर सकते हैं। Must have a derived class which implements all the functionalities known as a concrete classes. तो उसको हम कॉन्क्रीट क्लासेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो इन जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्रिएटेड यूजिंग अ स्पाइरल स्पेशल सिंटैक्स फॉर क्लास डिक्लेरेशंस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टूडेंट
प्राइवेट स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे लिया है मट्रिकुलर मट्रिकुलेशन कोड, फिर एक दूसरा मेंबर्स दिया है आपको नेम करके और एक एड्रेस करके दिया है, फिर यहाँ पे एक आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है पब्लिक स्टूडेंट स्ट्रिंग एम स्ट्रिंग एन एंड स्ट्रिंग ए, फिर हमने सभी चीज़ों को यहाँ पे इनिशियलाइज किया है पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, तो हम यहाँ से गेट नेम कर सकते हैं, गेट कोड कर सकते हैं और गेट एड्रेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट किया है, आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास के आगे आपको लिखना है सिंपली एब्स्ट्रैक्ट, जिससे क्या होगा कि वो क्लास है पूरा का पूरा आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर इंडिविजुअल मेथड्स ऑल पॉसिबल टू डिक्लेयर एज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टूडेंट्स प्राइवेट स्ट्रिंग मैट्रिकुलेशन कोड नेम एंड एड्रेस, है ना, तो यहाँ पर सभी चीजें यहाँ पर हमें दी गई है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें दिया गया है यहाँ पर, तो तीन मेंबर्स हमारे पास है, एक कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया है, तीन हमने गेट मेथड्स क्रिएट की है और फिर यहाँ पर हमने दो और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने क्रिएट की है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक इंटीजर गेट लॉन, मतलब कि आपको यहाँ पर सिंपली डिफाइन करना है, उसका सभी इंप्लीमेंटेशन नहीं है यहाँ पर नहीं करना है। इसी तरह से हमने दूसरा एक मेथड क्रिएट किया है एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्टेटस करके, और उसके अंदर हमने उसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं किया है, यहाँ पर हमने सिर्फ उसको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इन सी प्लस प्लस क्लासेस आर मेड एब्स्ट्रैक्ट बाय क्रिएटिंग अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो हम प्योर वर्चुअल फंक्शन से भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो फंक्शन हैज नो इम्प्लीमेंटेशन, वो जो भी हमने क्रिएट किया है उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं करना है। एवरी कॉन्क्रीट क्लास मस्ट ओवरराइड ऑल फॉर प्योर वर्चुअल फंक्शन, नॉर्मल वर्चुअल गिव्स द ऑप्शन ऑफ ओवरलोडिंग, प्योर वर्चुअल मेक्स ओवरराइडिंग मैंडेटरी। ठीक है, और आपको किस तरह से क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है कि वर्चुअल वॉइड ड्रॉ कॉन्स्ट इज इक्वल टू जीरो, तो इस तरह से आप वर्चुअल फंक्शन भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर एनी क्लासेस एनी क्लास इन विच अ प्योर वर्चुअल इज डिफाइंड इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन ऑल्सो कंटेन कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन एंड डेटा मेंबर्स, नॉर्मल रूल ऑफ इनवोकेशन एंड एक्सेस अप्लाई हियर, कैन नॉट इनिशिएटेड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट कैन यूज इट एज अ बेस लाइन फॉर द पॉलीमॉर्फिज्म, तो बेस लाइन है यहाँ पर आपको पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, तो आप इसका इस तरह से यूज कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि थिंक बैक टू अवर चेस सिनारियो, तो चेस सिनारियो के बारे में यहाँ पर हम सोचते हैं, तो बेस लाइन पीस क्लास, तो डिफाइन अ स्पेशलाइजेशन फॉर ईच काइंड ऑफ पीस, डिफाइन अ वैलिड मूव फंक्शन इन पीस, वी शुड नेवर हैव अ पीस ऑब्जेक्ट, डिफाइन इट एज अ एब्स्ट्रैक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट बी इनिशियलाइजेशन स्पेशलाइजेशन, हैड अ डिफॉल्ट मेथड और वैलिड मूव, डिफाइन इट एज अ प्योर वर्चुअल, एवरी ऑब्जेक्ट मस्ट प्रोवाइड इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन। इंटेंट टू ओवरराइड, वी मस्ट एक्सप्लिसिटली स्टेट अवर इंटेंट टू ओवरराइड इन डिराइव क्लासेस इन द क्लास डेफिनेशन वॉइड ड्रॉ कॉन्स्ट, इस तरह से हम कर सकते हैं। एक यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो इंक्लूड क्लास वन डॉट एच और इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी वॉइड क्लास वन ड्रॉ कॉन्स्ट और सी आउट के अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया है। इंटरफेस आपको क्रिएट करना है, तो इंटरफेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, तो इंटरफेस इस तरह से, तो रिलेटेड आइडिया इंटरफेस तो यहाँ पर हमें इंटरफेस के बारे में अभी हमें पढ़ना है। तो इंटरफेस क्या है, तो एन इंटरफेस इज अ प्योरली लॉजिकल कंस्ट्रक्ट दैट डिस्क्राइब फंक्शनलिटी विदाउट स्पेसिफाइंग द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एन इंटरफेस जनरली डिफाइन सेट ऑफ मेथड्स दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द क्लास, तो एक इंटरफेस है वो क्या है, उसके पास मल्टीपल मेथड्स होगी और वो मेथड्स है वो आपको एज अ जो भी दूसरा क्लास है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब कि इंटरफेस के पास सिंपली उसकी डेफिनेशन होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरे क्लास के अंदर होगा, बट इंटरफेस डज नॉट इम्प्लीमेंट एनी मेथड इटसेल्फ, जो भी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया उसी तरह,
तो इंटरफेस है वो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर करेगा अपने मेथड का, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरे क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंटरफेस लिखा है, एरो दिया है, व्हाट मस्ट बी डन नॉट हाउ इट इज टू डन, ठीक है। तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर इंटरफेस के अंदर ओके, तो व्हाई देर इज अ नीड ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस की रिक्वायरमेंट क्या है हमारी। तो यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट अलाउड इन सी शार्प, तो सी शार्प के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है, ठीक है। तो उसको अलाउ करने के लिए आपके पास दो क्लास होने चाहिए, तब आपके पास दो बेस क्लास है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, तो जो भी डिराइव क्लास है तो डिराइव क्लास एक से ज्यादा क्लास को इनहेरिट करता हो तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं करता है सी शार्प के अंदर। तो अगर उसको आपको सपोर्ट आपको चाहिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होगा। तो विथ यूजिंग इंटरफेस आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। तो किस तरह से, तो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंप्लीमेंटेशन इंटरफेस एज क्लास कैन इंप्लीमेंटेड एनी नंबर ऑफ इंटरफेस यूनिट, मतलब कि आप अगर इंटरफेस का यूज करते हो तो आप जितने भी चाहिए उतने इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हो आपके डिराइव क्लास के अंदर, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस की लिमिटेशंस क्या है, तो इंटरफेस कैन नॉट हैव अ डेटा मेंबर, उसके पास कोई डेटा मेंबर नहीं होगा। दे कैन नॉट डिफाइन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, उसके पास कोई कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर भी नहीं होगा। नो मेंबर कैन बी डिक्लेयर स्टेटिक, यहाँ पर कोई भी मेंबर को आप स्टेटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। डिफरेंशिएट एंड सिमिलैरिटी बिटवीन द इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है, तो यहाँ पर डिफाइन की गई है। तो सिमिलैरिटीज के अंदर नाइदर कैन बी इनिशियलाइज नाइदर कैन बी सील्ड, तो उसको इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते हो और उसको सील्ड भी नहीं कर सकते हो। डिफरेंशिएट क्या है, तो इंटरफेस कैन नॉट कंटेन एनी इम्प्लीमेंटेशन, इंटरफेस के अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इंटरफेस कैन नॉट डिक्लेयर नॉन पब्लिक मेंबर, नॉन पब्लिक मेंबर को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, मतलब प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं आएगा यहाँ पर। इंटरफेस कैन नॉट एक्सटेंड नॉन इंटरफेस, तो इंटरफेस दूसरे इंटरफेस और जो भी नॉन इंटरफेस है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता है, तो ये उसकी लिमिटेशन है, डिफरेंसिएशन है। सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग इंटरफेस इन सी शार्प, तो सी शार्प के अंदर कोई भी इंटरफेस है उसको डिफाइन किस तरह से किया जा सकता है, तो इंटरफेस आपको लिखना है, फिर आपको इंटरफेस का नेम लिखना है, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है रेफरेंस टाइप, मेथड नेम और पैरामीटर लिस्ट, मतलब कि आपका जो भी रेफरेंस है उसका टाइप है, यहाँ पर आपका मेथड का नेम है, और जितने भी पैरामीटर आपको चाहिए वो पैरामीटर के नाम यहाँ पर लिख सकते हो। उसी तरह से आप मल्टीपल आप मेथड यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो यहाँ पर आपको कोई भी आपका मेथड है उसका आपको कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, यहाँ पर सिंपली उसको डिफाइन किया गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा कोई दूसरे क्लास के अंदर, जो क्लास उसको एक्सटेंड करता होगा वो। तो यहाँ पर तीन मेथड, यहाँ पर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, वन टू अप टू एन मेथड्स, दे आर एसेंशियली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो ये कंपलसरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी। मेथड कैन मेथड्स डिक्लेयर इन इंटरफेस आर इम्प्लिसिटली पब्लिक, नो एक्सप्लिसिट एक्सेस स्पेसिफायर इज अलाउड, तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट एक्सेस स्पेसिफायर अलाउड कोई है नहीं। इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस, तो इंटरफेस को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्लास इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस इज, तो क्लास फिर क्लास नेम, फिर आपको क्या लिखना है कॉलन लिखना है और उसके बाद आपको इंटरफेस का नेम लिखना है, तो इस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके क्लास के अंदर कोई भी इंटरफेस हो। थिंग्स टू बी नोटेड, तो क्या आपको नोट डाउन करना है, तो वेन अ क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस इट हैज टू इम्प्लीमेंटिंग द एंटायर इंटरफेस, ठीक है। तो जब भी कोई क्लास है वो कोई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, मतलब कि वो पूरा का पूरा इंटरफेस इम्प्लीमेंट एक्सटेंड करता है, उसको यूज करता है, मतलब कि जितने भी मेथड्स इंटरफेस के अंदर होगी वो सभी के सभी मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन वो क्लास के अंदर कंपलसरी होना चाहिए। इट कैन नॉट पिक एंड चूज विच पार्ट ऑफ द पार्ट टू बी इम्प्लीमेंट, मतलब कि आप अपनी ओर से चॉइस नहीं कर सकते कि मुझे इतना पार्ट ही चाहिए या फिर मैं इतनी मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। आपने एक बार किसी भी इंटरफेस को
एक्सटेंड किया, मतलब कि आपने यूज किया, मतलब कि आपको उसके अंदर जितने भी मेथड्स होगी वो सभी मेथड्स को आपको इम्प्लीमेंट करना होगा आपके क्लास के अंदर। क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस सेपरेटेड बाई द कॉमा। आप एक से ज्यादा इंटरफेस को आप यूज कर सकते हो। किस तरह से? तो यहाँ पर आपको कॉमा लग देना है, दूसरे इंटरफेस का आपको यूज कर देना है। अ क्लास कैन इनहेरिट बेस क्लास एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरफेस बट नेम ऑफ द बेस क्लास विल कम फर्स्ट। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। एक एग्जाम्पल दिया गया, सैंपल कोड दिया गया, उसके थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्लास डेमो एबीसी। एबीसी हमारा एक इंटरफेस है। फिर यहाँ पे एक मेन मेथड है हमारी, उसके अंदर लिखा है सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन हेलो इंटरफेस डेमो रेफरेंस डेमो इज इक्वल टू न्यू डेमो रेफरेंस डेमो डॉट एक्सवाइजेड। फिर हमने सैंपल रेफरेंस सैंपल इज इक्वल टू न्यू सैंपल, सैंपल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और फिर उसके एक मेथड है उसको भी हमने कॉल किया है। यहाँ पर एक मेथड हमने क्रिएट किया है वर्ड एक्सवाइजेड करके, और उसके अंदर हमने सिंपली लिखा है कि इन डेमो और एक्सवाइजेड। और हमारा जो भी इंटरफेस होगा, तो इंटरफेस आपको इस तरह से क्रिएट करना है। इंटरफेस एबीसी, फिर हमने लिखा है वर्ड एक्सवाइजेड, मतलब कि यहाँ पर आपने सिंपली क्या लिखा है, आपने उसका सिंपली डिफिनेशन लिखा है, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया गया नहीं है यहाँ। उसका इम्प्लीमेंटेशन कंपलसरी कहाँ पर होगा? तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कंपलसरी यहाँ पर उस क्लास इस क्लास के अंदर उसका होगा। मतलब कि आप देख सकते हो कि इसको यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया है। और लास्ट में हमने यहाँ पर मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पर कर दिया है। और अगर आपका उसको ये प्रोग्राम का आपको रन करते हैं तो आपका आउटपुट में एज इन डेमो एक्स वाई जेड और इन सैंपल एक्स वाई जेड दोनों आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, आपको एज असाइनमेंट के रूप में दो क्वेश्चंस के आंसर आपको सबमिट करने हैं। तो व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शन इन सी शार्प एंड व्हाट इज इंटरफेस इन सी शार्प, वो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करने हैं एज असाइनमेंट के रूप में। ओके, थैंक यू ऑल।